और फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेबल फैन स्विच को कनेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि टेबल फैन को कनेक्शन कैसे करते हैं स्विच के साथ, यानी कि 3 स्पीड में। तो आइए हम इस वीडियो में बताते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि किसी पंखा में से या किसी मोटर में से 3 तार निकलता है, जो रनिंग रहता है और स्टार्टिंग रहता है और कॉमन रहता है। देखिए कॉमन हो गया, कॉमन सी से सूचित किया जाता है और रनिंग आर से और एस से स्टार्टिंग। तो आइए हम ये स्विच बना लिए हैं, आई रेजिस्टेंस है, ये 3 स्पीड में करता है, इसको ही काम रहता है 3 स्पीड में। तो आइए हम कैसे कनेक्शन करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटर के करते हैं रनिंग स्टार्टिंग में, हम कैपेसिटर के तार को जोड़ देंगे, ठीक है। और कॉमन तार में हम न्यूट्रल को कनेक्शन कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल फेस हमको पल्प से मिलता है, तो हमको लीड निकालते हैं तब पंखा में से जो 5 सॉकेट में से खोजते हैं, तो उसमें एक तार जोड़ देना है जो कॉमन में, ठीक है। और हमारा एक तार देना है रनिंग में, रनिंग के तार ले जाकर हम दे देंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस में दे देंगे, एक में हाई वाला में हाई है और हाई या मीडियम या लो कौन होता है, देखिए तो यहाँ पे जो मीडियम और लो होता है। तो आइए हम ले आकर हम रनिंग के तार को हाई पर दे दिए, ठीक है। और फेस यानी कि फेस को ले जाकर स्विच के एक पॉइंट पर दे देते हैं, यानी कि देने का यहाँ जगह रहता है एक में, और देखिए हाई वाला के यहाँ से यहाँ दे देते हैं हाई पर और मीडियम वाला के मीडियम पर दे देंगे, लो वाला के लो पर दे देंगे। तो इसी प्रकार कनेक्शन करते हैं हम, स्विच टिपेंगे बराबरी से तो हमारा हाई मीडियम लो चलेगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट आप